जो हम लोग अब टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं उस टिश्यू का नाम है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट था पेरेनकाइमेटस टिश्यू, दूसरा पार्ट था कोलेनकाइमेटस टिश्यू, और अब जो देख रहे हैं उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। जैसे ही हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बात करते हैं, कहते हैं इसका दो फॉर्म है। इसका कितना फॉर्म है, एक फॉर्म फाइबर है और दूसरा फॉर्म स्टोन सेल है। एक डायग्राम यहां पे बनाए हैं, ये इलोंगेटेड लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और किसी किसी सेल का फाइबर तो लगभग हाफ मीटर, एक सेल का फाइबर लगभग हाफ मीटर लंबा हो सकता है। तो फाइबर के बारे में हम लोग पहला क्या जाने कि सबसे पहले जो फाइबर होगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का पार्ट है। तो दो तरह का हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू देखे, एक जो छोटा होगा और गोल होगा, राउंडेड होगा, ये दिखा रहे हैं, इसका नाम रखते हैं स्टोन सेल और स्क्लेरिड्स। क्या नाम रखे, छोटा राउंडेड स्ट्रक्चर होगा तो नाम क्या रखेंगे इसका, स्टोन सेल और स्क्लेरिड्स। लेकिन अगर लंबा और दोनों एंड्स पे पॉइंटेड हो, मतलब एक ऐसे कलम के बारे में सोचो जिसके दोनों एंड्स पे लीड रिफिल लगा हुआ हो, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा व्हेन बोथ द एंड्स आर पॉइंटेड, जो टर्म हम लोग यूज करेंगे फाइबर। तो हम लोग फाइबर को और स्टोन सेल को कंपेयर करने के लिए हम लोग दो फिल्मी हीरो के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। फाइबर अमिताभ बच्चन की तरह लंबा है, किसकी तरह लंबा है, अमिताभ बच्चन की तरह लंबा है, और स्टोन सेल अमिताभ बच्चन की वाइफ की तरह, कौन है अमिताभ बच्चन की वाइफ, जया बच्चन, छोटी नाटी मोटी। ये मजेदार बात याद करने के लिए बता रहे हैं। तो हम लोग बोले छोटी नाटी मतलब क्या हुआ, स्मॉल। तो फाइबर कैसा होगा, फाइबर अमिताभ बच्चन की तरह लंबा है, और उनके कंपैरिजन में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जया बच्चन, हम लोग एक कहानी बताते हैं कि वो बहुत छोटी हैं इनके कंपैरिजन में। तो छोटे वाले सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोन सेल। तो छोटे वाले सेल का नाम रखे हम लोग स्टोन सेल या स्क्लेरिड्स, या इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक सेल, और इसका एक नाम है ग्रीटी सेल्स। अभी हम लोग इसको जब डिस्कस करेंगे तो सारे नाम्स को बताएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग ये बताया कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू दो तरह का, एक लंबा और पॉइंटेड, क्या हम लोग बताए, एक लंबा और पॉइंटेड, और दूसरा छोटा राउंडेड। तो पहले वाले को चलते हैं हम लोग, ये लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर। फाइबर जैसे ही हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बात किए, पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा वो ये होगा, एक फाइबर को एक प्लास्टिक के पाइप से कंपेयर करो। सोचो एक प्लास्टिक का पाइप तुम्हारे पास है और इसका दोनों एंड्स पॉइंटेड है, तो ये बिल्कुल फाइबर की तरह होगा। इसके इंटरनल वॉल पे, प्लास्टिक का वॉल था, बाहर से एक वॉल था, इंटरनल वॉल पे तुम कुछ चीज का लेयर डालना शुरू करो, बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा, ये थिकनिंग होना शुरू हो गया, और अंदर की कैविटी को कहते हैं ल्यूमेन। अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन मीन्स होता कैविटी। अब जरा से ध्यान से देखो, जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा ल्यूमेन की कैविटी उतनी छोटी होती चली जाएगी, और ये डिपोजिशन किस चीज का हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है। तो जितना ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होगा कहां पे होगा, ल्यूमेन जो था उसके वॉल में अंदर से डिपोजिशन हो रहा है, ये पाइप है ना, पाइप में अंदर से डिपोजिशन हो रहा है, इसीलिए जो एरिया था, जो ल्यूमेन था, जो कैविटी थी, वो कम होती जा रही है। तो हम लोग कहते हैं ल्यूमेन इज, कभी कभी तो इतना ज्यादा थिकनिंग हो जाता है, जैसे इस डायग्राम में यहां पे बना दिए कि ल्यूमेन इज ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड, ल्यूमेन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। हम लोग टर्म क्या यूज किए, ल्यूमेन इज ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड, बल्कि अब ये पाइप नहीं एक रॉड के समान स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि अंदर में पूरी तरह से लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका है। तो फाइबर कैसा होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बता रहे थे, ये देखने में कैसा है, जनरली लॉन्ग और नैरो है ना, वॉल कैसा हो गया, थिक वॉल हो गया, थिकनिंग किसके चलते हुआ है, तो इंटरनली लिग्निन के डिपोजिशन के चलते, और फाइनली क्या हुआ, या तो ल्यूमेन का डायमीटर कम होता चला गया, या कभी कभी तो
अगर बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया तो ये बिल्कुल समाप्त हो गया, तब कहेंगे ल्यूमेन इज ऑब्लिटरेटेड, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नॉर्मली कहां मिल रहा है। जनरली ये प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में। जब हम लोग अभी एनाटॉमी शुरू करेंगे, एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम और लीव, तब हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम में जब मोनोकॉट के डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे वहां पे हाइपोडर्मल सेल स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना है। वहां पे हाइपोडर्मल सेल हम लोग किसका बना होगा, कोलेनकाइमा का नहीं बना है। किसका बना है, हम लोग कहेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी तरह से लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, इसीलिए पूरी तरह से लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, इसीलिए ये ज्यादा सपोर्ट करने का काम कर रहा था। फाइनली हम लोग क्या बोले, ये कहां मिला, तो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में दिख रहा था। अब हम लोग आते हैं, अगर हम लोग फाइबर के कैरेक्टर को डिस्कस करें तो क्या बोलेंगे, बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, दोनों एंड इसका कैसा हो गया है, पॉइंटेड हो गया है। अब यहां पे हम एक चीज तुमको बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। टर्म्स हमेशा बुक्स में पढ़ते होंगे, इट कंटेन पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, और वॉल कंटेन सिंपल और बॉर्डर पिट, इसके दीवाल पे पिट मतलब हो गया गड्ढा। अब जरा सोचो तो गड्ढा पिट कैसे बनता है। हम लोग मिट्टी में, मिट्टी को किसी चीज से हम लोग निकाल दें तो एक गड्ढा हो जाएगा, लेकिन यहां पे जो गड्ढा बन रहा है ना वो बिल्कुल अलग स्टाइल में बन रहा है। कभी कभी चीजों के डिपोजिशन से भी पिट्स या गड्ढा बन सकता है। जैसे घर में देखे होंगे मम्मी लोगों को आटा मारते हुए, तो एक थाली में क्या करती है, पहले आटा ले लेती है, चीजों का डिपोजिशन हो गया, लेकिन बीच से थोड़े से आटा को निकाल दिया गया। या ऐसा करते हैं, एक ग्लास रख देते हैं थाली के बीच में और फिर चारों तरफ से आटा डाल देते हैं और बाद में ग्लास को निकाल देते हैं, तो क्या दिखता होगा, आटे के बीच में एक गड्ढा दिख रहा है। अब जरा देखो ये गड्ढा क्यों बना, ये गड्ढा आटे के डिपोजिशन से बना। ये बहुत टिपिकल वर्ड है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहां पे पिट्स कैसे आ गया, यहां पे गड्ढा कैसे आ गया। गड्ढा कैसे आया, गड्ढा डिपोजिशन के चलते आया। बहुत यूनिक बात है ये, गड्ढा डिपोजिशन के चलते आया। बचपन में खेलते होगे, अपने पैरों पे बालू को रखते होगे और धीरे से बालू निकाल लेते होगे, पैर निकाल लेते होगे, घर बनाते होगे, तो वो जो बालू को पैर पे रखे और बाद में पैर निकाल लिए तो एक गड्ढा दिखने लगा ना, वही गड्ढा था, डिपोजिशन ऑफ बालू से वो गड्ढा बना। अब क्लियर हो गई बात, तो यहां भी क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ वहां पे क्या दिखने लगेगा, गड्ढा दिखने लगेगा, और इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, पिट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, अब पिट्स का। सपोज करो यहां पे डिपोजिशन नहीं हुआ तो इस जगह पे क्या दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहे हैं वॉल है इधर भी और इधर भी, लेकिन लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ तो वहां पे गड्ढा दिखाई दे रहा था। ऐसे नॉर्मल को कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिंपल पिट्स। क्या नाम बोलेंगे इसको हम लोग, तो पहला टर्म हो गया वॉल कंटेन सिंपल पिट्स मतलब होता है गड्ढा, और एक दूसरा टर्म है बॉर्डर पिट्स। बॉर्डर पिट्स के बारे में आप सोचो, सोचो कि जो पिट था ना उसके माउथ पे किसी और चीज का और एक्स्ट्रा केमिकल मटेरियल का डिपोजिशन हो जाए तो एक बॉर्डर किस तरह से दिखाई देगा। तो जब बॉर्डर की तरह दिखाई देगा मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल का डिपोजिशन माउथ के सराउंडिंग्स एरिया में हो जाए तब इसका नाम रखेंगे बॉर्डर पिट्स। तो यहां पे क्या हुआ समझ में आ गया, ये पोर्शन है जहां पे कम डिपोजिशन हुआ तो ये इसके कंप्रेशन में ये गड्ढा दिख रहा था, और यहां पे जो इसका माउथ था, ऐसे सोचो एक पाइप है और ये डिपोजिशन के चलते गड्ढा दिख रहा था, इस जगह पे एक अलग सा केमिकल मटेरियल का डिपोजिशन हो गया, बॉर्डर के फॉर्म में दिखने लगा, तब हम लोग इसका नाम रखे बॉर्डर पिट्स। तो फाइबर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, फाइबर जाइलम हम लोग जब डिस्कशन करेंगे दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यू की बात करेंगे, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये जाइलम का चार कॉम्पोनेंट होगा। तब हम लोग बोलेंगे फाइबर जाइलम से लगा हुआ दिख रहा होगा, उसका नाम रखे जाइलम फाइबर। उसी तरह से फ्लोएम भी कंडक्टिंग टिश्यू है जिसका पार्ट है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब वहां पे फ्लोएम से रिलेटेड है फाइबर तो उसको कहते हैं, जाइलम को वूड और फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम का नाम क्या है,
फ्लोएम का टेक्निकल नेम बास्ट है और जाइलम को टेक्निकली वुड भी कहते हैं, इसीलिए यहां पे टर्म यूज किए बास्ट फाइबर। तो अब हम लोग फाइबर बताना शुरू कर रहे हैं, बहुत सा फाइबर कहां कहां पे मिला, ये क्वेश्चन मेडिकल में बहुत पहले आया था। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या क्या डिस्कस किए। स्किन काइमेटस टिश्यू कैसा होगा? डेड है। क्यों डेड है? लिगिनोइन के डिपोजिशन के चलते डेड है। नेचर में ये कैसा है? नेचर में ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है, और चूंकि ये डेड है इसका मतलब मालूम हो गया, अब इसमें क्या नहीं मिल रहा है? प्रोटोप्लास्ट नहीं मिल रहा है। ये क्यों डेड हुआ? अगर प्रोटोप्लास्ट होता तो ये डेड होता नहीं, अगर प्रोटोप्लास्ट मिलता रहता तो ये लिविंग रहता। चूंकि ये प्रोटोप्लास्ट नहीं मिल रहा है अब, इसीलिए अब ये डेड हो गया। फिर हम लोग बोले नेचर में ये कैसा था, तो बताया यूजुअली ये लंबा होगा, लॉन्ग, नैरो होगा, है ना, और वॉल कैसा होगा? थिक वॉल्ड होगा। वॉल में थिकनिंग किसके चलते होगी? तो बोलेंगे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। कहां पे मिला? मोनोकॉट के स्टेम में, जो हाइपोडर्मल सेल होता है वहां पे ये मिलता है। और जब ये लंबा होता है, पॉइंटेड होता है, तो फाइबर कहते हैं। और स्क्लेरल काइमेटस टिश्यू जब स्मॉल ग्रेन्स के समान दानेदार होता है तब इसको स्टोन सेल कहते हैं। अब हम लोग स्टोन सेल्स के बारे में कुछ तुमको पॉइंट्स बताते हैं जो तुम फील किए होगे। जब भी नाशपाती खाए होगे बिल्कुल, तो तुमको जीभ में ग्रेन्स के समान स्ट्रक्चर लगता होगा, छोटा छोटा कण है, ग्रेन्स है, ग्रीटी इन अपीयरेंस। टर्म क्या यूज करेंगे हम लोग? ग्रीटी इन अपीयरेंस। तो वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ही स्टोन सेल है, जो कॉमनली हम लोग नाशपाती में या अमरूद में, गुआवा में हम लोग इसको यूज करते हैं, खाते हैं, तो हम लोग फील करते हैं कि जीभ में कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर लग रहा है। दीज आर नथिंग बट स्टोन सेल। फिर हम लोग आ गए, इसका एंड्स कैसा होगा? तो कहते हैं बोथ द एंड्स आर, दोनों ही एंड कैसा होता है? बोथ द एंड्स आर पॉइंटेड। इसका जो कैरेक्टर है वो फाइबर का कैरेक्टर है, इसके दोनों किनारे पे पॉइंट्स दिखता होता है, और अंदर में या तो सिंपल या बॉर्डर पिट्स भी दिख सकता है, तो ये पिट दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं कुछ फाइबर्स के बारे में, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट को इंग्लिश में हेम्प कहते हैं, कैनाबिस सैटाइवा, है ना, कैनाबिस सैटाइवा से फाइबर निकलता है। दूसरा प्लांट का नाम ये भी पूछा, किस किस प्लांट से निकलता? लाइनम यूजीटेटिसिनम, है ना, यूजीटेटिसिनम, ये फ्लैक्स को कहते हैं, फ्लैक्स का नाम है, बॉटनिकल नेम हम लोग यहां पर डिस्कस किए हैं, लाइनम यूजीटेटिसिनम। और अगर क्वेश्चन आ जाए लॉन्गेस्ट फाइबर किस प्लांट से मिला, तो प्लांट का नाम था बोमेरिया निविया, जिसको इंग्लिश में रेमी का प्लांट भी कहते हैं। तो ये कुछ नेम्स है। तो हमने कहा था कि कुछ ही पोर्शन रटना है, तो जैसा मैंने बताया था कि बॉटनी में पूरी चीजों को समझाएंगे, सिर्फ 2-3-4-5 जगह पे ऐसा आएगा जहां पे कुछ एग्जाम्पल रटना है। बहुत से एग्जाम्पल में तो मैंने स्टोरी बनाई है, और तुमको स्टोरी बताएंगे तो वो नाम याद हो जाएगा। फिर हम लोग यहां पे आते हैं, एक कॉमन फाइबर सबको ही फील करते हो, देखे हो, जब भी कोकोनट को छीलते हैं बीच में जो रेशा दिख रहा होता है इसको कहते हैं कॉयर ऑफ कोकोनट, है ना, और इसको इसी से हम लोग देखते हैं कि मैट बनता है, पैर पोछने वाला बनता है, नारियल की रस्सी बनती है। ये बेसिकली मीजोकार्प है, उस फ्रूट का तीन पार्ट था, कोकोनट के फ्रूट का तीन पार्ट होता है, बाहर वाले छिलके को एपिकार्प कहते हैं, बीच वाले पोर्शन का नाम मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प जो है वो लिग्निफाइड है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। और कुछ बास्ट, मतलब हम लोग फ्लोएम को बास्ट कहते हैं, फ्लोएम के कुछ फाइबर में दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक जूट जिससे हम लोग कहते हैं दरी बनती है ना, तो ये जो जूट होता है ना इसका बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, और दूसरा एक प्लांट है क्रोटुलेरिया जंसिया, इसको कहते हैं सनहेम इंग्लिश में। इन सारे प्लांट्स से फाइबर निकल रहा था। अब एक फाइबर के बारे में और बताते हैं जहां पे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो सकता है, वो है कॉटन फाइबर, रुई से जो फाइबर बनता है। कॉटन के बने हुए फाइबर में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, ये सेलुलोज का बना हुआ फाइबर है, इसीलिए इसको ट्रू फाइबर नहीं कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट बात है, कॉटन के फाइबर को क्या नहीं कहते हैं? ट्रू फाइबर। हालांकि वो भी फाइबर है, क्यों नहीं बोले ट्रू फाइबर? क्योंकि यहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ, लिग्निन के बजाय यहां पे किस चीज का डिपोजिशन है? ये फाइबर कंप्लीटली सेलुलोज का बना हुआ है।
तो ये हम लोग एक पॉइंट डिस्कस किए और वो था स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन सेल और स्क्लेरेट्स, और इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो होगा स्पेशल टिश्यू, और जो ही स्पेशल टिश्यू हमारा खत्म होगा हमारा परमानेंट टिश्यू खत्म हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ये सबसे बड़ा टॉपिक हम लोगों का है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो इसके बाद के टॉपिक्स होंगे वो बहुत इजी इनके कंपैरिजन में और छोटे होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों स्टोन सेल। हमने अभी भी बताया कि फाइबर और स्टोन सेल के बीच में क्या डिफरेंस होगा। फाइबर का स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होगा और दोनों एंड्स पे दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे, दोनों पॉइंट्स जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे। लेकिन जब हम लोग स्टोन सेल की बात करेंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे इसको फाइबर से, तो फाइबर के कंपैरिजन में स्टोन सेल बहुत छोटा साइज में होगा, और इसके अंदर भी जो ल्यूमेन दिख रहा है कैविटी, इस कैविटी में भी धीरे धीरे लिग्निन का डिपोजिशन होना शुरू होगा। अब लिग्निन के डिपोजिशन के होने के चलते ये छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर जो पहले बिल्कुल ल्यूमेन को कैरी कर रहा था, अब इसके अंदर में लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा था, इसीलिए धीरे धीरे ये हार्ड हो गया। और ज्यों ही ये हार्ड हो गया अब इसका काम हो गया टू गिव प्रोवाइड मैकेनिकल, लोकल मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा था, जहां पे ये अवेलेबल है वहां पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो इसको कई नाम से जानते हैं, पहला नाम दिया गया स्टोन, पत्थर के समान है, या कंकड़ के समान है, ग्रिटी मतलब होता है कंकड़ के समान, ग्रिटी इन अपीयरेंस, या इसको नाम दिया गया स्क्लेरेट्स, इसको कई नामों से जानते हैं। ये नेचर में कैसा होगा, नेचर में ये बहुत छोटा सा है, हम लोग कहेंगे स्मॉल है, लेकिन वॉल कैसा है, वॉल में इंटरनल थिकनिंग होती चली गई है, तो टर्म यूज करेंगे थिक वॉल्ड, और अंदर में जो कैविटी थी जो ल्यूमेन थी वो कैविटी धीरे धीरे स्पेस उसका कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि डिपोजिशन होता जा रहा है, तो कहेंगे ल्यूमेन में कैविटी इज नैरो। और फाइनली ये कैसा सेल होगा, ये सारा सेल ऑलमोस्ट डेड सेल है, क्योंकि जिस टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं ना स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की पहली प्रॉपर्टी ही हम लोग बताए थे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर डेड सेल। तो ये तीनों को एक साथ हमेशा देखो, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बारे में क्या बताया, दे आर लिविंग सेल। कोलेनकाइमा के बारे में भी बताया, दे आर लिविंग सेल, लेकिन जो ही हम लोग स्क्लेरेनकाइमा में पहुंचे हम लोग कहे दे आर डेड टिश्यू। और स्क्लेरेनकाइमा का ही दो पार्ट था, एक फाइबर और दूसरा स्टोन सेल, इसलिए स्टोन सेल भी यूजुअली कैसा होगा, डेड सेल। हम लोग यहाँ पे यूजुअली वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर केसेस ऐसा ही होता है। फिर हम लोग आते हैं, अब इसका शेप अलग अलग हो सकता है, जब शेप अलग अलग होता है तो हम लोग नाम भी अलग अलग दे देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं देखना शुरू करते हैं। ब्रैकी, ब्रैकी स्टोन के लिए हम लोग कहते हैं, जब वो देखने में छोटा सा स्टोन के समान नजर आए तब कहते हैं ब्रैकी, और स्क्लेरेट टर्म को यूज किए तो पूरा शब्द हो गया ब्रैकी स्क्लेरेट और स्टोन सेल। ये कहां मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, हम लोग अभी अभी बताए थे, जब कभी नाशपाती खा रहे होते हैं, नाशपाती का नाम होता है पायरस कम्युनिस, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, पायरस कम्युनिस। ये हम लोग अभी आगे पोर्शन जब पढ़ाएंगे तो ये सारे बॉटनिकल इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब भी नाशपाती खाते हैं हमारे मुंह में कंकड़ के समान, कुछ दाने के समान, ग्रेन्स के समान जीभ में लगता है कि उसके पल्प में है, वो जो जीभ में कंकड़ के समान दाने के समान अपीयर हो रहा था वही था, उसका नाम दिए थे ब्रैकी स्क्लेरेट्स। उसी तरह से जब हम लोग चीकू खाते हैं, सपोटा चीकू जिसको कहते हैं, उसमें भी तुमको अंदर में मीठापन लगता है और ग्रेन्स समझ में आता है, दानेदार लगता है। और उसी तरह से जब अमरूद के पल्प को खा रहे होते हैं, सीड के अलावे जो ग्रेन्स के तरह स्ट्रक्चर लग रहा होता है वो भी क्या है, ब्रैकी। तो हम लोग कहते हैं टर्म ब्रैकी स्क्लेरेट्स, मतलब हो गया स्टोन सेल के लिए ये टर्म यूज किए, जब ये छोटा स्टोन के समान हो जाए हम लोग टर्म यूज करेंगे ब्रैकी स्क्लेरेट्स, और इसको स्टोन के समान था इसलिए नाम दिए स्टोन सेल। कहां पे मिला, एडिबल पोर्शन ऑफ पियर, नाशपाती के जिस पोर्शन को खा रहे होते हैं उसमें मिल रहा है, अमरूद के
पल्प में मिल रहा है, ग्वावा और सपोटा या चीकू जिसको हम लोग कहते हैं, इसके भी पल्प में मिल रहा था। फिर हम लोग दूसरा शेप देख रहे हैं, ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। अगर ये देखने में बोन के समान हो जाए, बोन का स्ट्रक्चर याद करो, पॉइंट्स पे डायलेटेड है, पॉइंट्स कैसा है, बोन का डायलेटेड, और बीच में एक नैरो स्पेस दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा, और यहां भी क्या हुआ होगा, डिपोजिशन हुआ होगा, ये दिखा रहे हैं ऐसे करके, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, तो इंटरनली ये डिपोजिटेड हो गया और ल्यूमेन क्या हो गया, कम हो गया, स्पेस कम हो गया। ऐसा कहां मिला, मोनोकॉट के सीड में मिल रहा है। तो मोनोकॉट के सीड में कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है हम लोगों को, मोनोकॉट के सीड में बोन के समान है ना, बोन के समान, हड्डी के समान हम लोग कहते हैं, और ऑस्टियो शब्द हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, बोन के लिए टर्म है ऑस्टियो, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, और स्क्लेरेट्स हो गया इस टर्म को जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टोन सेल्स है ना। फिर हम लोग आते हैं मैक्रो, मैक्रो शब्द का मतलब होता है रॉड लाइक, अगर स्टोन सेल थोड़ा पतला हो, रॉड के समान हो, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग बना दें, ये रॉड के समान अगर दिखाई दे तो टर्म यूज करेंगे हम लोग मैक्रो। मैक्रो स्क्लेरेट शब्द का मतलब हो गया, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो ब्रैकी का मतलब बताए स्टोन के समान, और ऑस्टियो का मतलब क्या बताए, ऑस्टियो मतलब बोन के समान। अब हम लोग अगर बोन के समान कहाँ मिला, तो हम लोग स्ट्रक्चर में बताया कि सीड्स कोट ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट के सीड्स में जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को कोट कहते हैं, कोट का मतलब हम लोग ऊपर से कोट पहने हुए, मतलब ऊपर के कवरिंग को कोट कहा गया, तो सीड के ऊपर के कवरिंग को सीड कोट कह दिए। अब हम लोग आए, अगर ये रॉड शेप मिल रहा है, तो हम लोग जितना भी दाल खाते हैं ना, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, जितना भी दाल खाते हैं, उस दाल के ऊपर में जो पल्सेस है उसके ऊपर में जो कवरिंग होता है ना, उसको कहते हैं सीड कोट। उस सीड कोट में ये कैसा दिख रहा होगा, हम लोग पल्सेस के बारे में बोलेंगे मैक्रो, मैक्रो मतलब रॉड के समान, छोटा छोटा रॉड के समान वो स्टोन सेल मिल रहा है, तो छोटा छोटा रॉड के समान मिलने वाले स्टोन सेल को हम लोग क्या नाम दिए, मैक्रोस्क्लेरेट्स। तो ये क्वेश्चन जितने यहाँ पे दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल से कभी ना कभी क्वेश्चंस मेडिकल में आए हुए हैं। फिर हम लोग कहते हैं कभी कभी हेयरी स्ट्रक्चर, वो स्टोन सेल पतला हेयर के समान स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर वो हेयरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है तो टर्म हम लोग यूज करते हैं ट्राइको। तो कल याद करो एक शब्द हम लोग बताए थे ट्राइकोम, याद आया, ट्राइकोम के बारे में क्या बताए थे, हमने कहा था ट्राइकोम इज ए हेयरी स्ट्रक्चर, तो पूरे प्लांट में जब कभी ये टर्म आ जाए ट्राइकोम, समझ जाना ये हेयरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां भी ये शब्द हम लोग लिए ट्राइको, उसी शब्द से डिराइव्ड किए हैं इस शब्द को, और क्या कह रहे हैं ट्राइको, और उसके बाद कौन सा शब्द लगाए स्क्लेरेट्स, और ट्राइकोस्क्लेरेट्स का तो मतलब तुमको पहले से मालूम हो गया, क्या मतलब होगा, देखने में ये हेयर के समान होगा, हेयरी स्ट्रक्चर होगा, हम लोग इसको कहेंगे ट्राइकोस्क्लेरेट्स। और कहाँ मिला, तो पानी में हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स हम लोग बताए थे कल, हाइड्रो मीन्स वाटर है ना, हाइड्रोफाइट्स में पानी में मिलने वाले प्लांट्स में ये पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, ये पानी में मिलने वाले प्लांट्स में पाया जाएगा, हम लोग टर्म यूज किए हाइड्रोफाइट्स। और फाइनली अगर ये देखने में स्टार शेप्ड हो जाए, तब इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉजी, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग कहीं पामिस्ट के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो एस्ट्रोलॉजर उन सन के बारे में, मून के बारे में है ना, अलग अलग ग्रह के बारे में बताता है, मीनिंग बाय वो स्टार के बारे में डिस्कशन करता है, किसके बारे में बताता है, स्टार के बारे में बताता होता है, तो एस्ट्रोलॉजी इज इफेक्ट ऑफ स्टार ऑन आवर बॉडी सिस्टम है ना, यही है ना, तो एस्ट्रो का मतलब तुमको पहले से मालूम है, इसका मतलब एस्ट्रो मतलब स्टार, और स्टार का शेप तुमको पता है, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं स्टार का शेप हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टोन सेल, जिसको हम लोग स्टोन सेल कह रहे थे स्क्लेरेट्स, अगर देखने में स्टार शेप्ड हो जाए, तो इसको, इसके लिए हम लोग टर्म किए एस्ट्रो स्क्लेरेट, क्या टर्म यूज करेंगे, एस्ट्रो स्क्लेरेट। और ये कहां मिलता है, चाय की पत्तियों में, ऐसा हमको कहां मिलेगा, और भी कई एग्जांपल होंगे, बट सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है टी लीफ, टी लीफ में ये स्टार शेप्ड मिला। तो फाइनली फिर हम लोग इसको समअप कर रहे हैं, और ये क्या था, फाइनली स्टोन सेल और फाइबर, ये दो तरह का स्क्लेरेंकाइमा सेल्स मिल रहा था। स्क्लेरेंकाइमा की पहली प्रॉपर्टी हम लोग बताए, दे आर डेड टिश्यू।
दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हम लोग, स्टोन सेल का डिफरेंट शेप बता रहे थे. डिफरेंट डिफरेंट शेप के स्टोन सेल का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया. जब ये रियल में स्टोन के समान था तो टर्म यूज किए ब्रैकिस्क्लेरेट्स, जब ये बोन के समान हो गया तो टर्म यूज किए ऑस्टियोस, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, जब ये रॉड के समान था तो हम लोग टर्म क्या यूज किए मैक्रोस्क्लेरेट्स, और जब ये हेयर के समान आउट ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया तो टर्म क्या यूज करेंगे अभी हम लोग बताए ट्राइको, तो टर्म हो गया ट्राइको स्क्लेरिट्स, और फाइनली जब ये स्टार शेप्ड दिख रहा था तो टर्म क्या हो गया, टर्म हो गया एस्ट्रो स्क्लेरिट्स. और इस तरह से तुम्हारा ये पूरा एक टॉपिक खत्म हुआ. हमने क्या क्या फाइनल किया, पेरेन्काइमा पूरा डिस्कशन किया, कोलेन्काइमा के बारे में पूरी बात बताई गई, और फाइनली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के दो फॉर्म को एक फाइबर और दूसरा स्टोन सेल हमने डिस्कस किया. तो ये तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया. अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ये हमने एक टॉपिक खत्म किया, इसका नाम था सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने तीन टॉपिक को डिस्कस किया, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू.